मेरा ये मानना है कि वो स्नैक ज्यादा पसंद किया जाता है जो रोज इस्तेमाल होने वाली चीजों से बनाया जाए और जो खाने में टेस्टी होने के साथ साथ देखने में भी अलग लगे। तो आज मैं आपके लिए पोहा पॉपकॉर्न की रेसिपी लाई हूँ। तो जल्दी से मेरे चैनल इंडियन फूड में डिजी को सब्सक्राइब कर लें और हम पोहा पॉपकॉर्न बनाना शुरू करते हैं। पोहा पॉपकॉर्न बनाने के लिए हम अपने मेन इंग्रेडिएंट पोहे को 2 से 3 बार पानी बदल बदल कर धो लेंगे। यहाँ हमने लिया है 1/2 कप पोहा, जिसे हम एक बाउल में डालकर धो रहे हैं। धोने के बाद हम पोहे का सारा पानी निकाल देंगे, जिसके बाद पोहा पानी अब्सॉर्ब करने के कारण काफी सॉफ्ट हो जाएगा। इसे धोकर हम इसे फिलहाल के लिए अलग रख देंगे। अब यहाँ पर मैंने लिए हैं ब्रेड स्लाइसेस, जिन्हें मैं इनकी साइड्स काटकर इस्तेमाल करूंगी। पोहा पॉपकॉर्न्स की बाइंडिंग करने के लिए और उन्हें सॉफ्ट बनाने के लिए मैं ब्रेड का इस्तेमाल कर रही हूँ। आप ब्राउन या व्हाइट कोई भी ब्रेड इस्तेमाल कर सकते हैं। साइड्स काटने के बाद अब मैं ब्रेड स्लाइसेस को इस तरह पानी में डिप करूंगी और इन्हें हाथों में दबाकर इनका सारा एक्स्ट्रा पानी निचोड़ दूंगी। इस तरह से मैंने ब्रेड को काफी सॉफ्ट कर लिया है और इसे मैं पोहे के साथ ही गूंथकर इस्तेमाल करूंगी। सॉफ्ट पोहा और ब्रेड को मैं थोड़े बड़े बाउल में शिफ्ट कर रही हूँ ताकि मिक्सिंग करने में आसानी रहे। अब इसमें हम बाकी चीजें डालकर मिलाएंगे। तो मैंने लिया है 1 उबला हुआ आलू, बारीक काटा हुआ 1 प्याज, कद्दूकस की हुई 1 छोटी गाजर, चॉप किए हुए 10 से 12 कड़ी पत्ते, बारीक काटी हुई 1 हरी मिर्ची, बढ़िया टेस्ट के लिए 1/2 चम्मच किचन किंग मसाला, 1/2 चम्मच या अपने स्वाद अनुसार नमक और 1/2 चम्मच जीरा डालकर इन सभी को अच्छे से गूंथ लें। पोहा और ब्रेड बहुत सॉफ्ट हो चुके हैं, तो इन्हें गूंथकर इनका बहुत बढ़िया और सॉफ्ट डो बन जाएगा। जब ये डो एक साथ अच्छे से इकट्ठा हो जाए और सभी मसाले आपस में अच्छे से मिक्स हो जाए, तब ये तैयार है। अब हमें पोहा पॉपकॉर्न्स की शेप्स बनानी है, जिसके लिए थोड़ा डो हाथों में लें और इसे हम एक फ्लैट सरफेस पर रोल करके इसे गोल करेंगे और इसे लंबी शेप का बनाएंगे। पोहे का डो इस समय इतने अच्छे से बाइंड हो चुका है कि ये टूटेगा भी नहीं और शेप भी बड़े आराम से बन जाएगी। इस तरह हम सारे डो की लंबी शेप्स बना लेंगे। अब हमें इन्हें पॉपकॉर्न की तरह बाइट साइज का बनाना है, तो हम इसके हर 1 इंच पर कट लगाएंगे। इन्हें हम पॉपकॉर्न की तरह ना ज्यादा बड़ा और ना बहुत छोटे साइज का, यानी एकदम परफेक्ट साइज का बना रहे हैं। ये देखिए 1-1 इंच के कितने बढ़िया पीसेस कटे हैं, जो खाने में तो टेस्टी हैं ही, देखने में भी बहुत प्रेजेंटेबल लगेंगे। अब हमें इन पॉपकॉर्न्स को खाने में और भी टेस्टी और क्रिस्पी बनाना है, जिसके लिए हम इनमें लगभग 4 चम्मच चावल का आटा डालकर इनकी हर तरफ से बढ़िया कोटिंग कर लेंगे। इन्हें आसानी से कोट करने का ये सबसे आसान तरीका है। इन्हें बाउल में डालें और इस तरह से शफल करके कोट कर लें। अगर आपके पास चावल का आटा ना हो तो आप इन्हें मैदा, बेसन या कॉर्नफ्लोर से भी कोट करके बना सकते हैं। कोट करने के बाद अब पोहा पॉपकॉर्न्स फ्राई करने के लिए तैयार है। पोहा पॉपकॉर्न्स को फ्राई करने के लिए एक गरम पैन में थोड़ा तेल डालें। जब तेल गरम हो जाए तब गैस मीडियम हाई पर सेट करें और इसमें पोहा पॉपकॉर्न्स डालकर फ्राई कर लें। इन्हें हम थोड़ी कम हीट पर फ्राई कर रहे हैं ताकि ये एकदम से जल ना जाएं और अंदर तक अच्छे से पक जाएं। इन्हें बारी बारी उलट पलट कर हर तरफ से बराबर फ्राई कर लें। इन्हें हम लगातार हिलाते रहेंगे ताकि ये किसी एक साइड से ज्यादा फ्राई होकर जल ना जाएं। जब भी कोई फ्राइड स्नैक बनाएं तो तेल हमेशा वही इस्तेमाल करें जो कम अब्सॉर्ब हो और हेल्थ को भी नुकसान ना दे।
मीडियम हाई गैस पर तकरीबन 3 से 4 मिनट फ्राई करने पर जब इनका रंग गोल्डन ब्राउन सा नजर आने लगे तब ये बनकर तैयार है। इनका जितना हो सके तेल ड्रेन कर लें और इन्हें अब्सॉर्बिंग पेपर पर निकाल लें ताकि इनका बाकी का बचा हुआ तेल भी अब्सॉर्ब हो जाए। ये टेस्टी और कुरकुरे पोहा पॉपकॉर्न्स टोमेटो केचप के साथ सर्व करें। ये एक परफेक्ट इवनिंग स्नैक है। ये आप जिन्हें भी बनाकर खिलाएंगे वो आपकी तारीफ जरूर करेंगे। ऐसी ही और टेस्टी और नई रेसिपीज देखने के लिए मेरे चैनल इंडियन फूड मेड इजी को अभी सब्सक्राइब कर लें।